हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बनने वाला है नट क्रैकर, जिसे कई लोग बादाम पकौड़ा या सिंग भजिया भी कहते हैं और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1/4 कप बेसन और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून चावल का आटा। 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हो और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी, लेकिन कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा दोनों मिक्स करने से रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। नमक स्वाद अनुसार मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून डाला है, क्योंकि नट क्रैकर यानी कि सिंग भजिया का टेस्ट बहुत ही स्पाइसी और जो मसाले और जो खट्टापन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग। पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है मूंगफली को कोट करने के लिए। इसे हम अभी साइड में रख देंगे और एक दूसरे बाउल में हम लेंगे 1 कप मूंगफली के दाने। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें यहाँ मूंगफली को भिगोना नहीं है, जस्ट पानी से कोट करना है, जिससे हम जो ड्राई मसाले डालेंगे वो इसके साथ चिपक जाएगा। इस तरह से सारे दानों में पानी कोट हो जाना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे जो सूखे मसाले हमने मिक्स करके रखे थे उसे, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मूंगफली को हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कोट कर लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हम थोड़े थोड़े बैचेस में इसे डाल देंगे और इसे तलेंगे स्लो से मीडियम फ्लेम पर, जिससे ये अंदर तक क्रिस्पी हो। तीन से चार मिनट जैसा हो गया है हमने नट क्रैकर को कुक करते हुए, वो भी मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब जो हमने नट क्रैकर को फ्राई किया उसे ले लेंगे एक बाउल में और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक, क्योंकि हमने नमक अंदर भी डाला है जस्ट फ्लेवर के लिए, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इसे गर्म होने पर ही मिला देना है, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे सिंग भजिया यानी कि नट क्रैकर बन के रेडी है सर्व होने के लिए। तो होपफुली फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल प्योर रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लिए, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।